हेलो फ्रेंड्स, ऑल माय नॉलेज टू यू यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिले सबसे पहले आपको। इस वीडियो में क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर जो कि 2018 का है, एनुअल एग्जामिनेशन है। इस वीडियो में मैं इस क्वेश्चन पेपर का रिव्यू करूँगा कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आते हैं बोर्ड के एग्जाम में। 12th का है इसलिए आप केयरफुली वीडियो को वॉच करें और सुने। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन पेपर का रिव्यू। ये सेट 3 है हमारे पास में, कोड नंबर 61/3 है, सीरीज है जेई की। रोल नंबर लिखना है आपको अपनी उत्तर पुस्तिका पर, यहाँ पर भी लिखा हुआ है परीक्षार्थी कोड को उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अवश्य लिखें। कुछ निर्देश इस प्रकार है, कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न पत्र में मुद्रित पृष्ठ 13+1 मानचित्र है। प्रश्न पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए कोड नंबर को छात्र उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर लिखें। कृपया जांच कर लें कि इस प्रश्न पत्र में 17 प्रश्न हैं। कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10:15 बजे किया जाएगा। 10:15 बजे से 10:30 बजे तक छात्र केवल प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे। सेम इंस्ट्रक्शंस फॉर इंग्लिश फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर, निर्धारित समय आपको मिलेगा 3 घंटे का और अधिकतम अंक यानी कि मैक्सिमम मार्क्स होगा 80 का। सामान्य निर्देश इस प्रकार हैं, सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने अंकित किए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 3 दो अंकों वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 30 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रश्न संख्या 4 से 9 चार अंकों वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों को इस खंड में केवल 5 प्रश्नों को हल करना चाहिए। प्रश्न संख्या 10 मूल्य आधारित प्रश्न है और अनिवार्य है। यह प्रश्न भी 4 अंक का है। प्रश्न संख्या 11 से 13 8 अंकों वाले हैं। इनमें से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 350 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रश्न संख्या 14 से 16 स्रोत आधारित प्रश्न है, इनमें कोई आंतरिक विकल्प नहीं है। प्रश्न संख्या 17 मानचित्र संबंधी है जिसमें लक्ष्यों को पहचानना तथा महत्वपूर्ण मदों को दर्शाना शामिल है। मानचित्र को उत्तर पुस्तिका के साथ नत्थी कीजिए। सेम जनरल इंस्ट्रक्शंस इन इंग्लिश। यह खंड का पार्ट ए यानी कि नीचे दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर लिखिए। इसमें 3 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, तो 6 मार्क्स आपको इसमें मिलेंगे। आप पॉज करके आप देख सकते हैं। यह खंड ख यानी कि पार्ट बी, इसमें अनुभाग 1 यानी कि सेक्शन फर्स्ट। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हर एक प्रश्न 4 अंक का है, 20 मार्क्स आपको इसमें मिलेंगे। आप पॉज करके वीडियो को आप देख सकते हैं। 6 से 9 तक के प्रश्न, इसमें 6 प्रश्न है, कोई भी 5 आपको करना है। ये अनुभाग 2 यानी कि सेक्शन सेकंड है, मूल्य आधारित प्रश्न है, अनिवार्य है जो कि कंपलसरी 4 अंक का है। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ये खंड ग या पार्ट सी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। 3 प्रश्न हैं और हर एक प्रश्न 8 अंक का है। इसमें आंतरिक विकल्प है, इन दोनों में से कोई एक आप कर सकते हैं और इंग्लिश में भी सेम कंडीशन है। यह खंड घ पार्ट डी स्रोत आधारित प्रश्न है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन से। 3 प्रश्न हैं इसमें 7 अंक के, 21 मार्क्स आपको इसमें मिलेंगे। तो 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित उद्धरणों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उसके नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर आप लिखिए। ये कॉलिन मैकेंजी के बारे में लिखा हुआ है और ऊपर दिए गए पैसेज से रिलेटेड प्रश्न इस प्रकार है। ये प्रश्न 2 अंक का है और ये भी 2 अंक का है और ये वाला 3 अंक का प्रश्न है। सेम क्वेश्चन इन इंग्लिश। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये कॉलिन मैकेंजी का के बारे में है। आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। यह 15वां प्रश्न सेम है जैसा 14वां प्रश्न है। इस उदाहरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे लिखे गए दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये गांधी जी ने कहा था दांडी मार्च में, दांडी में कहा था। और इस एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड प्रश्न इस प्रकार हैं।
ये 2 अंक का है और ये 3 अंक का है। सेम क्वेश्चन इन इंग्लिश, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के बच्चों के लिए। आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये 16वां प्रश्न है, इसमें भी उदाहरण को ध्यान पूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर आप लिखिए और ऊपर दिए गए पैराग्राफ से रिलेटेड प्रश्न इस प्रकार हैं। ये दोनों प्रश्न 2-2 अंक का है और ये 3 अंक का है। और सेम क्वेश्चन इन इंग्लिश, इंग्लिश में पैराग्राफ है और इन पैराग्राफ से रिलेटेड प्रश्न इन इंग्लिश इस प्रकार हैं। ये 2-2 अंक का है और ये 3 अंक का है। अब वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। ये खंडणा यानी कि पार्ट ई मानचित्र प्रश्न है, मैप क्वेश्चंस। ये 17वां प्रश्न है, 5 अंक का है। इसमें से 2 प्रश्न 1-1 अंक का है और ये एक ही प्रश्न 3 अंक का है। तो ये इंग्लिश में भी, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। और आप इसको नोट कीजिए कि ये वाला जो प्रश्न है ये केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए है, यानी कि जो आंखों से देखने में असमर्थ हैं उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि 17वें क्वेश्चन के स्थान पर है। राष्ट्रीय आंदोलन के किसी एक केंद्र का नाम लिखिए, बाबर के अधीन किसी एक क्षेत्र का नाम लिखिए, किन्हीं 3 बौद्ध स्थलों के नाम लिखिए। नेम एनी वन सेंटर ऑफ नेशनल मूवमेंट, नेम एनी वन टेरिटरी अंडर बाबर, नेम एनी 3 बुद्धिस्ट साइट्स। तो ये थे पिछले साल की क्वेश्चन पेपर जो कि हिस्ट्री का है। इसी तरह के क्वेश्चन पेपर पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।